तो मेरे नबी कितनी ऊंची परवाज रखते हैं, अपने रब को देख रहे हैं। और देख, मूसा अलैहिस्सलाम पे तजली पड़ी, वो भी उन पर नहीं, पहाड़ पे, खर्रा मूसा सायखा। और यहाँ पर्दे उठ के आप कह रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मेरा रब कह रहा है। इस इल्म वाला कहता है आपकी महफिल के लिहाज से आपने फरमाया कफ़ा बिल मर लुकैमात युकिम नबी सुलब, आदमी के कमर सीधी रखने के लिए चंद लुकमे काफ़ी हैं, उससे ऊपर काम ख़राब है। अम्मा इदा अबा, अगर वो कहे नहीं या रसूलुल्लाह मेरा तो चंद लुकमों पे गुजारा नहीं होता, तो फिर सुलुसुन लित्ताम, मैदे का तीसरा हिस्सा खाने के लिए रखे, वह सुलुसुन लिल्मा, और फिर एक बटा तीन पानी के लिए रखे, वह सुलुसुन लिल हवा लिल नफस, और एक बटा तीन खाली रखे। बीमार नहीं, तकदीर आवे तो वखरी कर ले, ये बीमार नहीं होता। हकीम सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जितने लोग पहले बीमार हुए, जितने आज हो रहे हैं, जितने आइंदा होंगे, सब ये खाने की वजह से। रुकदे ही नहीं, खदी जंदन खदी जंदन खदी। मेरे नबी ने सुबह खाया, शाम नहीं खाया, शाम को खाया, सुबह नहीं खाया, बासी खाना कभी नहीं खाया। तोड़े फ्रिज भरे पे होंगे, और डॉक्टरों के भी भरे पे होंगे फ्रिज। फिर हमारे नबी ने सिर्फ एक दफ़ा बासी रोटी खाई, हज़रत उम्मे हानी के घर जब मक्का फतह किया, हज़रत अली की बहन, तो उन्होंने आपने कहा कुछ खिला दो उनकी दिलदारी के लिए, तो उनके पास रात की बासी रोटी थी। ज़िंदगी में उनकी दिलदारी के लिए दो चार रुकमे लिए। आप ताज़ा खाना खाते थे या छोड़ देते थे? ताज़ा नहीं है तो नहीं खाते थे। सुबह खाया, शाम नहीं खाया, शाम का सुबह नहीं खाते थे, सुबह का शाम को नहीं खाते। अब लोगों ने तो हफ्ते हफ्ते के खाने डाल के रखे होते। ये पहले खाना नहीं, पहले वो हमारे मतलब अपने गांव की बताता हूँ, वो खाना रोटी बचाती थी तो मेरी माँ तकसीम कर लेती थी। उन्होंने जामण तो बाद फ्रिज आ गया, असी वेट ठोकने शुरू कर देते। वो जो गरीबों को जाता था वो हमारे फ्रिजों में जाने लगा। पर ये खाना ख़राब करता है, ये प्रोसेस खाने, ये जंक फूड, ये ड्रिंक्स, ये पिज़्ज़े, ये जिंदगी को तबाह करने वाले प्रोग्राम। पेट भर कर, एक साहबी थे, उनका पेट निकला हुआ था, तो आप तशरीफ़ लाए और यहाँ उंगली मारी, यूं कहा, ऐसे करके कहा कि ये चर्बी यहाँ ना होती तो कितना अच्छा होता। आपको नहीं कह रहा, ये चर्बी यहाँ ना होती तो कितना अच्छा होता। तो मोटा तो मर्द भी कोड़ा लगता है, औरत का पेट निकला हुआ हो तो और मुसीबत है। जिसको अल्लाह ने नफीस बनाया, हसीन बनाया, उस खा खा के अपनी तबाही फेर छोड़ी। तो अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ो मेरे भाइयों, पढ़ो। उसमें अल्लाह ने दुनिया और आखरत का हर सामान छुपा के रखा है। इस कमबख्त को भूखा रखो, इसको इसको। मेरे नबी ने फरमाया मा मला आदमी उन वियान शर्रन मिन बत्नही, सबसे बदतरीन बर्तन जिसको कोई भरता है वो उसका पेट है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में उनके लिए पकी हुई रोटी को कोई चबा नहीं सकता था, ऐसी खरम। अब वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं सिर्फ आपको नमूना पेश कर रहा हूँ। कूफे में दो शख्स आए, एक शख्स आया काजी अमीरुल मोमिनीन से मिलना है, तो हज़रत अली से ही कह रहा था, वो अमीरुल मोमिनीन थे, कब आते ही हैं। थोड़ी देर के बाद हसनैन आ गए, तो आपने इशारा किया तो वो गए उनके लिए खाना लाए,
बेहतरीन खाना, और वो शख्स जो था वो एक कोने में बैठ के सत्तू खा रहा था, फीके सत्तू। तो वो मेहमान कहने लगा, ये गरीब बेचारा सत्तू खा रहा है, मेरे आगे ऐसा खाना है, इसको भी बुला लो, वो भी खा ले। का यही अमीरुल मोमिनीन है जिनसे तुम मिलने के लिए आए हो, उनके सत्तू उनकी शहादत तक मदीने से आते थे और वो खाते थे, और ताकत इतने थे कि खैबर का दरवाज़ा उखाड़ दी। और मैंने इस्तांबुल में आपकी तलवार देखी, वो तलवार वेख के डर लगता है, इतनी वजनी और भारी तलवार। तो अगर आप अपनी सेहत चाहते हैं तो इसको भी उसूल बनाएं, एक वक्त में कई खाने इकट्ठे मत करें, खाने के साथ मीठे को मत मिलाएं, खाने के साथ मीठे को मत मिलाएं, पेट भर के मत खाएं। पहले चावल खा दें फिर रोटी नहीं शुरू हो जाते, पहले रोटी खा दें फिर चावल में शुरू हो जाते, तो उतू हलवा पूड़ी भी आ जाता, राती हलवा पूड़ी, एड्डी जहालत, सब कुछ खा के हलवे पूड़ी खा रहे होंगे, फिर सेवन अप पीन दिन तो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकल जाते हैं, शुक्र है हाजमा हो गया, ओ हाजमा नहीं होया तेरा सत्यानाश हो गया। तो अपने नबी वाली सीरत को अपनाएं। इन डॉक्टरों को पढ़नी चाहिए, आप सबको पढ़ना चाहिए तिब्ब नबी, जिसमें आपका खाने का क्या मामूल था। मैंने एक दफ़ा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, वो प्रिंसिपल भी बने नश्तर कॉलेज के, तो उनको मैंने वो अल्लामा ज़हबी की है तिब्ब नबी, उसमें था कि किसको किसके साथ नहीं खाते थे, वो मैंने सुनाया। कहने कि जो शख्स इस पर अमल करेगा बस मर जाएगा, बीमार नहीं होगा। तो हिजामा भी हो और हिजामा के साथ मेरे नबी की बताई हुई तरतीब ज़िंदगी भी खाना भी हो। मैं दुबई में था तो एक ये जो ग़िज़ा के माहिर होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, हैं न्यूट्रिशनल, इंडिया का था मेरा दोस्त था, तो मैं गया तो मुझे हार्ट अटैक हो चुका था, तो वो ना मुझे कुछ चीज़ें लिखी, फिर उसके बाद कहने लगे आपने पानी नहीं पीना खाने के दौरान। मैंने कहा सुन्नत है खाने के दौरान पानी पीना, तो कहने लगा हजरत माफ़ कीजिएगा, जो सुन्नत के मुताबिक खाए उसके लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास वो मरीज़ आते हैं जिन्होंने यहाँ तक खाया होता है, तो फिर उनको मैं कहता हूँ कि पानी ना पियो, पानी ना पियो। तो अपने खाना, आपके खाने आपके मिजाज पर भी असरअंदाज होते हैं। हमारे मुल्क में जज्बातीपना है, लड़ाई झगड़े, जल्दी गुस्से में हो जाते हैं, तहम्मुल नहीं है, ग़िज़ाएँ ख़राब हैं, ग़िज़ाएँ गलत हैं। अपने जिस्म को भूख का आदि बनाओ, तो अल्लाह, फिर हिजामा भी मुफीद है और सारे सुन्नत के तरीके मुफीद